बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की अंदरूनी विवाद 5 जुलाई से और जोर पकड़ने की उम्मीद है। अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती के बहाने बिहार आ रहे हैं चिराग पासवान, उसी दिन हाजीपुर से यात्रा शुरू करेंगे। इस बीच उनके चाचा और पार्टी में एकजुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भतीजे पर तीखा हमला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चिराग किस बात के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें तो श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। पारस ने कहा कि चिराग का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जमुई है, इसीलिए उन्हें हाजीपुर की बजाय जमुई जाना चाहिए। जी हां, आशीर्वाद यात्रा में चिराग अपने पिता की जयंती के बहाने चाचा पर हमला बोलने की तैयारी में है। इसके लिए उनकी टीम पटना से लेकर हाजीपुर और राज्य के अलग अलग जिलों में तैयारियों में जुटी है। चिराग का कहना है कि कोई भी उनकी पार्टी को नहीं तोड़ पाता अगर घर के लोगों ने दगाबाजी नहीं की होती। चिराग ने पिछले दिनों कहा कि उनकी पार्टी और परिवार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पिता की आत्मा खुश नहीं होगी। चिराग ने कहा कि पिता के निधन के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और घर के लोगों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। मुश्किल वक्त में चिराग को अब भी उम्मीद है कि भाजपा उनकी मदद के लिए आगे आएगी। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई बार उन्होंने साफ तौर पर इसे जाहिर भी किया है। चिराग ने कहा कि हनुमान की राजनीति वध होते देखकर राम चुप नहीं बैठेंगे, यही वजह है कि राजद की ओर से डायरेक्ट निमंत्रण मिलने के बाद भी चिराग अभी भी तटस्थ बने हुए हैं। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ मैक्स 9 भोजपुरी असेसर भी की रिपोर्ट।